नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है मेरा YouTube चैनल पे। और आज मैं बना रही हूँ घर पे डेकोरेट करके रखने के लिए मिट्टी का नींबू। और बाकी जो वेजिटेबल आप देख रहे हैं वो भी मैंने ही बनाया है। और ये सब कैसे बनाना है उसका भी वीडियो मैंने बनाया है। आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं। और ये सब मिट्टी का वेजिटेबल बनाने में भी बहुत आसान है, आप भी चाहे तो इसे बना सकते हैं और घर पे डेकोरेट करके रख सकते हैं, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं पहले से ही एक नींबू बना कर रखी थी, बिल्कुल वैसे ही और एक बार आप सबको ये नींबू बना कर दिखाऊंगी कैसे ये मिट्टी का नींबू बनाते हैं। आप देख सकते हैं कैसे मैं बना रही हूँ। और आप अगर मेरे चैनल पे आज नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे मैं ये मिट्टी का नींबू बना रही हूँ। और ऐसे ही मैंने थर्मोकोल से, ऊल से, मिट्टी से, प्लास्टिक की बोतल से और भी बहुत सारा क्राफ्टिंग वीडियो बनाया है। आपने नहीं देखा है तो मेरा चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं। और देख के वैसे आप भी बनाकर घर पे डेकोरेट करके रख सकते हैं। वैसे बना लेने के बाद अब मैं थोड़ा पानी लेके ये मिट्टी को थोड़ा ऐसे क्लीन कर लूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मिट्टी का नींबू पूरा तैयार हो चुका है धूप में सूखने के लिए। अब मैं इसे धूप में रख दूंगी सूखने के लिए। ये जब सूख जाएगा तब मैं इसे कलर कर लूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मिट्टी का नींबू पूरा सूख चुका है, अब मैं इसे कलर कर लूँगी। फर्स्ट मैं इसे ऐसे व्हाइट कलर कर लूँगी। ऐसे व्हाइट कलर कर लेने के बाद अब मैं इसे नींबू का कलर यानी ग्रीन कलर कर लूँगी। मैंने यहाँ पर ग्रीन के साथ थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स्ड किया है। अब मैं ये ग्रीन कलर के साथ थोड़ा सा व्हाइट कलर मिक्स करके एक हल्का ग्रीन कलर बना लूँगी और यहाँ पर ऐसे लगा लूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मिट्टी का नींबू कलर करना कंप्लीट हो चुका है और ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। और आप सबको अगर ये मिट्टी का नींबू बनाना अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।